सचिन so all all well, तेंडुलकर तो <laughs> का एक मैसेज ने आपको रुलाया था टू थाउजेंड इलेवन में वो सबको थैंक कर रहे थे फॉर द वर्ल्ड कप वो नॉट बैड सो द सेम उनका एक इंटरव्यू चल रहा था टीवी में और सब लोग मुझे और सचिन भाई जी इसलिए इज़ इस दैट मच महान क्योंकि सचिन भाई ने जो टी वी और उनको पूछा भी नहीं पंद्रह खिलाड़ियों के बारे में बोल रहा था सब ने योगदान दिया सब ने योगदान दिया मेरा नाम पूछा तक नहीं था जब इंटरव्यू खत्म हो रहा था और फोर्टीन प्लेयर्स का नाम बार बार ले रहे थे और तो सचिन भाई जी ने बोला आप किसी का नाम भूल रहे हो श्रीशांत भी थे He's, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया ही डिड रियली वेल सो आई फील रियली गुड दैट अ पर्सन लाइक दैट सचिन पाजी जी उज गॉड ऑफ क्रिकेट उनको देखने के लिए मैं कोची में जब पहली बार आया था मुझे अभी भी याद है बूस्ट का एम्बेसडर थे वो और बूस्ट का एक होता था ब्रेकफास्ट सचिन तो हम शायद ऑब्बियसली वैन वैन वी कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड यू यूरोन बाई बूस्ट एवरी मंथ वी बाई बूस्ट मे बी एवरी टू और थ्री मंथ सो I remember Papa literally giving me um, money to go and buy BUS so that I can uh, fill it. Uh, from there to being with him in the team and winning the World Cup with him, I mean, I couldn't ask for more. So, um, Sachin Bhaji, respect, respect, respect. I, I'm i a very small man. I, I don't think I will be, ever be able to repay it in any way. If one way I can repay is maybe um, saying it loud to the world that.

दिल के हमेशा करीब है हमारे एक भाई है यहाँ पे सोनू भैया तुम कह रहे थे दोस्त लोग जो तुम्हारे साथ है यू हैव ब्रदर्स लाइक दिस अराउंड यू हैराउंड रियल ट्रांसमेशन इन इन यू उस जमाने में भी तुम अच्छे लड़के थे नादान थे थोड़ा ज्यादा था बट बचपना होता है सब में यार एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ब्रदर इन द बिग बॉसिस हाउस यूर वॉशिंग यूटेंसिल्स विथ रोहित इन द बिग बॉसिज हाउस एंड देन

बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते आ, लोग बोलते हैं ऐसे मैं भी वड़ा पाव खाता हूँ हाँ। तो उस उस वक्त के बाद वो लोग का हैप्पी क्लब बन गया था सैड क्लब सैड क्लब के बाद वो क्लब का नाम हो गया था चेपू क्लब चेपू क्लब हाँ जिसको चेपते रहते थे <laughs> <laughs> तो जिसको चांस मिला क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा था मतलब वोटिंग स्ट्रेंथ किसी को भी चेप देते थे तो वो चेपू क्लब का गैंगस्टर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नाम उनकी था मैं हूँ गैंगस्टर और हमेशा मुझे चेपता रहता था चेपता रहता था चेपता रहता था तो आई कैन से दैट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस सो आई डोंट वॉन्ट टू यस इट डिड रिमाइंड मी ऑफ दोज डेज बट इट्स इट वॉज़ ए वेरी बैड मेमरी बट इट वॉज एन एक्सपीरियंस फॉर मी सो दैट्स वट आई आई टेलिंग यू थर्टी फर्स्ट वेन आई वॉज़ यू नो सिटिंग एंड लुकिंग बैक एट माई लाइफ आई सेट श्री मूव ऑन भगवान कृपा है um, you survived 106 days of Big Boss. Great achievement for me, according to me. I, I swear, I never thought I will. Thanks to all the love and care and concern and everybody, all the fans out there, especially जो group बनाया था श्री fam करके and सब लोगों ने इतना बहुत support दिया तो Romil also questioned me saying आप हमेशा emotional card खेलते हो वो वगैरह Romil अगर आप देख रहे हो तो मैं इतना बोलना चाहूँगा मैं ऐसा हूँ यार He knows me. I am a sports person. I will bring cricket. I am not somebody who's, who came to act there. You guys were selected. I was not selected. I was asked to come. So, hats off to you all. You reached in the top 5 or top 6 or whatever. God bless you in whatever you do. You uh, Apparently, you bowled in the nets. I don't know whether it's true. If you have, thank you for that session. Agad तो भी आपका क्रिकेट का बोलिंग एक्शन बहुत अच्छा है वर्क करो गॉड ब्लेस यू सलमान खान ने कमेंट कहा था तुम्हें किस बात का घमंड यू यू हैव टू से अबाउट दैट स्टेटमेंट एंड फील एंडील सलमान खान सलमान भाई इज ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट एंड ऑब्वियसली आई लव द दर्य वर्डिस विच आई यूज ऑल द टाइम इवन वेन यू सेड अबाउट ऑल लॉन्ग बैक मुझे हमेशा लोग बोलते थे यार थोड़ा तो एक्टिंग कर लो यार थोड़ा तो दिख संभल के बात करो थोड़ा थोड़ा बीच में एक्ट करना चाहिए जैसे कि कुछ बात अच्छा नहीं लगे तो बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है कोई बात नहीं वो वाला नाटक मेरे से नहीं होता था hmm. तो सलमान भाई का सेम था स्टे रियल यू नो बी रियल स्टे रियल बीइंग ह्यूमन का मेन टैग ले तो मैं हमेशा मेरे बुक में लिखा हूँ बी रियल बी रियल श्री बी रियल बी रियल तो सलमान भाई का जो दो टैग है मुझे बहुत अच्छा लगता है बी रियल एंड स्टे रियल दैट्स शोड आई हैव बीन डूइंग ऑल माई लाइफ एंड आई एम रियली प्राउड एंड सलमान भाई इज समबडी हुज नॉन मी फॉर वाइल एंड अगर सलमान भाई नहीं होते होस्ट और जैसे उन्होंने फर्स्ट हफ्ते से मुझे सपोर्ट किया और मुझे जैसे मोटिवेट किया और अच्छी तरह से ऐसे एल्डर ब्रदर एंड ऐसे ऐस ए गाइड टू तो बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि मुझे अभी भी याद है सुनो भाई मुझे वीडियो दिखा रहा था जिधर उन्होंने बोला तीन महीने श्री आप आपका टेस्ट है इस इनसे भी बहुत बुरी जगह पर आप थे हम भी थे इससे भी बुरी जगह से तो आप इस को एक तजुर्बा जैसे एक्सपीरियंस करो एक घमंड वाली बात तो के.वी. ने शुरू किया था शायद uh, करणवीर भोरा ने काम या तो ऑल आई कैन से लव यू ब्रो आई एम श्योर यू आर स्टिल कन्फ्यूज आउटसाइड ऑल्सो एंड आई आई रियली होप यू फाउंड यू आर सेल्फ द करेज टू टेल यू वॉट यू रियली वॉन्ट विच यू डिट डू इट इन द हाउस महानादा की टैग आपको लगा था आ, शायद क्रिएटिव पीपल ने उसको आपको ऐसे रखा हम मुझे भी पता है आपको भी पता है जो बिग बॉस के घर के अंदर थे उनको भी पता है आपने कितनी महानता निभाए सिवाए दीपक को वो टेडी टेडीबियर देने से मुझे नहीं लगता कोई और महान्यता के काम किया उन्होंने क्योंकि पूरी सेल्फिश थे चाहे वो पहले हफ्ते का कैप्टनसी का हो या फिर कैप्टन बनने की दौड़ पे हर वक्त वो फ्लाइट मिस करता था फिर दीपिका जी ने फ्लाइट पकड़वा दिया तो एक बार कैप्टन बना फिर अगले हफ्ते फिर वापस दीपिका जी को बेगुना को जेल में भेज दिया ये सब के ने किया है तो के ने बोला था गवर्नमेंट मुझे जब मैं इंडिया के लिए शाइन करता था इतनी स्ट्रगल करते वक्त उन्होंने अभी मुझे देखा है अगर उस वक्त में मुझे गवेंट नहीं है जब मैं वर्ल्ड कप जीत के अपने डोरमैन और ड्राइवर्स के साथ बैठ के खाना खा सकता हूँ और उनके साथ बैठ के मिल जब सुपरस्टार स्टार जब हर कोई आपको चाहते तब उसको गवर्नमेंट बोलना चाहिए कि इसको बोलना चाहिए वो सिर्फ वो शो के लिए शायद क्रिएटिव पीपल ने वही दिखाया जो वो लोग दिखाना चाहता था तो आई फील बैड ऑन दैट साइड बट आई एम वेरी हैप्पी मीडिया आई रिपीट मैं उसको दस बारह साल से जानता हूँ ट यू आर ऑलवेज हम्बल विद एवरी वन जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है बट द वे ऑर टॉकिंग राइट ना मेरे भाई uh, मुझे लगता है तुम्हें एक आश्रम खोलनी चाहिए जहां पर हम जैसे लोग वहां पर अटेंड करेंगे और तुमसे थोड़ा ज्ञान प्रवचन लेंगे एंड बिकम काम अच्छा ये जो तुम्हारा एक परसेप्शन था एक जमाने में शीशांत द लेडीज मैन जो हम लोग जलते थे हम लोग बोलते थे काश शीशांत को यहाँ से हटा के कहीं किडनेप करो ताकि हम उन खूबसूरत लड़कियों के साथ होते uh, वो uh, अब चला गया इज इट डिस्टेंट ड्रीम ओके बोल रहे बट यू नो वॉट ऑल पता नहीं कब का मैं इतना बोलना चाहूंगा वो एवरीबडी गोज थ्रू दैट फेज ऑफ लाइफ एंड आई एम रियली प्राउड टू से दैट आई नेटेड एनवी बडी और Uh, you know i was there with them as a friend as a as a guide or whatever as you said all i can say is uh, those were all ex good experiences and bad experiences in my life in your life everybody's life you learn from that and you keep moving on and i am so happy they say love happens only once no offense to anybody who gets married again and all that but for me till date till now the moment i met my wife i can proudly say from that moment onwards till now i have only one love which is me <laughs> I love you! You <laughs> love! <laughs> and my wife, wife is the only reason, maybe that as you said, when those incidents happened, that I'm alive and my mom died. And my lovely two angels, your kids too. So if, um, We have to do a play date soon, yeah? My sure, kids with your kids, sure, brother? For sure, for sure. She is a logo. See the maturity with which he talks. यू नो वी नो अबाउट हर बजन थिंग यू ऑल्सो कम आउट इन दी ओपन एंड तुमने दिल से कहा है यू नो भजी इज़ लाइक माई एल्डर ब्रदर सो ऑल दो इंसिडेंट्स विद भज्जी एवरी थिंग इज वॉश अवे गुड ऑल वेल जेन्यूनली जेन्यूनली ये जब नैन जी बिग बॉस के घर के अंदर आए थे भी मैं भी थोड़ा वरीड था कि जब मैंने ओपन अप बोला uh, तो शायद क्या हो रहा होगा बाहर तो नैन जी ने भी बोला भजीपा से भी बात हो भजीपा यू नो आई लव यू एंड आई नो यू लव मी एंड माई फैमिली एंड वी लव यू फैमिली वी आर इन टच नाउ तो मैं इतना बोलना चाहूँगा uh, पहली बार मैंने बोला वो इंसिडेंट मेरे कारण भी हुआ है सो आई आई एम नॉट अशेम टू से आई वॉज ओब्वियसली आई वॉज इरिटेटिंग ऑस्ट्रेलियन टीम एंड ऑल दैट सो द सेम वे आई इिटेट मुंबई इंडियंस ऑल्सो सो मे बी ई वॉज द कैप्टन ऑफ द टीम एंड दैट्स मे बी द रीजन वाई दैट हैपन सो दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी गॉन सो आई रेस्पेक्ट द फैक्ट दैट यू नो एवरीबडीज टेकन इट इन द राइट स्पिरिट एंड आई हैव आई नो रिग्रेट्स से आई थिंक ही स्टूड बाई मी भजीपा उसके बाद भी अगर आप जब शो मार रहे थे आपका पार्टनर मैं था और बहुत लोगों को लग रहा था कि मैं रनआउट करूँगा या फिर मैं हिटविट करूंगा मगर भगवान के शुक्र है बहुत अच्छा खेल पाए और आपके साथ वो शो आप जब शो मार रहे थे आपको हक कर पाया तो ऑल दैट इज़ बिग फॉर मी सो स्मॉल स्मॉल थिंग्स बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन माई लाइफ एंड थैंक्स टू भज्जीपा ही आई थिंक ए लॉट ऑफ टेस्ट विकेट्स एंड वन डे विकेट्स प्लानिंग वॉज डन बाई हिम एंड सचिन पाजी सो भजीपा लव यू ऑलवेज do you you ever think somewhere the supreme powers from above will get you on that ground to play cricket? आपकी में घी शक्कर बहुत लोगों ने uh, दुआ मांगा है uh, मैं भी यही मांगा अभी दिवाली का बिग बॉस के अंदर भी uh, एक कार्यक्रम था वो तो टास्क था उसमें मुझे मांगना था कुछ तो मैंने यही मांगा था कि uh, पूरी दुनिया को है मुझे क्या चाहिए क्योंकि अगर वो मिलेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाता है मूवीज uh, चल रहा है गाने वाने चल रहा है जो भी है पॉलिटिक्स जो भी सब कुछ चल रहा है बट एवरीथिंग टिक्स ए बैक सीड विकेट स्टार्स एंड i can't wait because i am 36. i only have four or five years of very good cricket left in me. it will take another couple of years to even make it to the big league. but then i will be 38. but uh, i am hoping and praying that 2021-2020 world cup. it's a distant dream. Uh, it's a miracle. it's a very, very, very impossible dream. but i think if those supreme believes and i believe, supreme silence, which is me, because supreme, because shri is supreme, shand is silent.

Bon, ऐसे जाता है um, वो मैं इसको ट्रेन करूंगा श्री मेरे भाई तुम्हारे चीज पिज्जा सब रेडी है वो मैं तुमको खिलाऊंगा अपने हाथों से तुम्हारी बीवी नहीं है मैं तुम्हें ऐसे 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 खिलाऊंगा टाटा बाय बाय लव यू